बता रहा हूँ ना, रिपेमेंट ऑफ लोन जब करेंगे तो आपका क्या होगा? आपका ऑब्वियस है कि आपका कहा गया हो? रिपेमेंट ऑफ लोन आप करेंगे तो क्या होगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। रिपेमेंट ऑफ लोन तो आपके यही आएगा ना। ओके, लेट्स स्टार्ट बजट 2024-25। जो लोग कल आए थे दे नो कि इस साल दो बजट आया है, एक इंटरिम बजट जिसे हम लोग अंतरिम बजट कहते हैं और एक सप्लीमेंट बजट जिसे हम लोग पूरक बजट कहते हैं। इंटरिम एंड सप्लीमेंट बताया था क्यों, इलेक्शन के चलते। इंटरिम बजट में कई सारी बातें आई थी, वो बात पुरानी हो गई। अब बात करते हैं सप्लीमेंट बजट में, पूरक बजट में, जो कि गवर्नमेंट ने 23 जुलाई 2024 को प्रेजेंट किया है। अब एक दो चीज जान लो कि अभी हमारा गोल चल रहा है विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। नो, और ऐसे ले सकते हैं उसको, विकसित भारत एट 100। मतलब जब इंडिपेंडेंस का 100 ईयर होगा 2047 में, उस समय हमें डेवलप कंट्री के रूप में आना है। ये अभी हमारा रोड मैप चल रहा है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि कई पीसीएस ने सिलेबस अभी चेंज किया है और उसके इकोनॉमी के सिलेबस में हेडिंग दे दिया गया है। ये 10 साल रहेगा हेडिंग है वो, विकसित भारत एट 2047, यानी हम इंडिया को डेवलप कंट्री करना है। तो जब उस टॉपिक की हम बात करेंगे तो जानेंगे कि भाई डेवलपमेंट के इसमें क्या पढ़ना होगा आपको। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि विकसित भारत 2047 पर आपको नोट्स बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले किसी कंट्री के डेवलप होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किसी कंट्री को डेवलपमेंट कैसे मानते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया, पर कैपिटा इनकम कहीं पढ़ा है आपने? कहा नहीं पढ़े हुए तो ठीक है, मतलब कहा, ये कौन कहता है, आरबीआई कहता है, क्या कहता है? आरबीआई नहीं कहेगा। अच्छा, आरबीआई नहीं कहता है, चलिए और कौन कहता है बताइए? वर्ल्ड बैंक कहता है। कोई क्लास लिया है इकोनॉमी वाला मेरा, नोट देख लो। वर्ल्ड बैंक कहता है पर कैपिटा इनकम कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है पर कैपिटा जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। उसके बेस पे कई, मतलब आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द डेवलप कंट्री, देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया, कई क्राइटेरिया है। पर कैपिटा इनकम सिंपल क्राइटेरिया है जो जनरली हमने बोलचाल में कहते हैं, बट जनरली, और ये नहीं कि आरबीआई नहीं कहता, आरबीआई भी करता है, डेवलप कंट्री के लिए आरबीआई क्राइटेरिया भी है, आरबीआई मानता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है, आरबीआई को छोटा मत मानिए। सो आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, देयर आर सो मेनी, इवन डीपी, UNCTAD एजेंसी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, देयर आर सो मेनी एजेंसी, दे डिसाइड सम क्राइटेरिया फॉर अ डेवलप कंट्री। तो इसमें क्या करना होगा आपको, कि आपको देखना होगा कि डेवलप कंट्री के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। पुराने क्राइटेरिया कुछ और हैं, जो इन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, आईएमआर, एमएमआर, सुने हो नाम ना, आईएमआर, एमएमआर, ये सब क्या है, ओल्ड क्राइटेरिया है। अब नए क्राइटेरिया आ गए, अब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और इन सब के साथ साथ आपके कंट्री में पर कैपिटा GNI क्या है, लोगों की इनकम क्या है, आपकी कंट्री की GDP क्या है, देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया फॉर द विकसित भारत जो कि हमें अचीव करना है। अगर पर कैपिटा GNI की बात करें, बहुत दूर जाना है हम लोगों को, अभी तो हम 2000 के आसपास भटक रहे हैं, $2000 समथिंग, जो कि अगर अमाउंट में जाओ तो हमसे ज्यादा तो पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का है, जो हाँ अभी क्राइसिस हुआ है ना, क्योंकि छोटा कंट्री है, 17 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे यहाँ ज्यादा। सो आपको यहाँ जानना है कि क्या क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है फॉर डेवलप कंट्री, देन क्या करना है, वेयर वी आर, हम लोग कहाँ है, ये मैं और बता रहा हूँ क्या मेंस की तारीख के लिए, वेयर वी आर, हम कहाँ है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, हमें विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चुनौतियां हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या अवसर हैं, और सबसे बड़ा अवसर है डेमोग्राफिक डिविडेंड।
सबसे बड़ा ऑप्शन है यूथ, सबसे बड़ा ऑप्शन है डिमांड मार्केट. डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी और फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. तो ये सब चीजें वहां पे आप जानेंगे. लेकिन यहाँ इसलिए बता रहा हूं कि ये जो बजट है ये कहीं ना कहीं रोडमैप देता है विकसित भारत 2047 का. बिकॉज वी आर इन द एज ऑफ अमृत काल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमृत काल? अभी अमृत काल चल रहा है. अमृत काल क्या होता है? अमृत काल इंडिया एट 75 से इंडिया एट 100. इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100, यानी इंडिया 100 ईयर का होने वाला है. 75 मतलब 2022 से लेकर के 2047, यानी ये 25 ईयर को हम लोगों ने क्या कहा? अमृत काल कहा है. और इस समय जो यूथ हैं उनको हम कह रहे हैं अमृत पीढ़ी. जो यूथ हैं, यूथ को गवर्नमेंट ने कहा अमृत पीढ़ी. ठीक है, तो इस अमृत काल में हमें इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है. वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वी हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस, वी हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. इसलिए इस बजट में पूरा उसी कोड में दिया गया है कि हमें इंडिया को 2047 तक इस अमृत काल में 25 सालों में. वैसे अभी जो प्राइम मिनिस्टर, अभी जो मिनिस्टर लोग हैं, शायद लोग नहीं रहेंगे, हम लोग तो रहेंगे, आप लोग तो कोई डाउट ही नहीं है. और मेरे पे डाउट मत रखिएगा, मैं भी रहूंगा. बट मैं रिटायर्ड रहूंगा. आप लोग एकदम, हो सकता है कि आप लोग जब पार्लियामेंट में हो वहां बैठे रहेंगे, हो सकता है. Who knows? आप में से कोई आदमी गवर्नर बन सकता है. ऑलवेज ड्रीम. ड्रीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस. ड्रीम हमारे सपने मर जाती है. सपने तो हमारे कुछ और होते हैं. सपनों को हम लोगों ने बड़ा छोटा कर लिया है. मॉल घूमना, खाना खाना, मूवी देखने को सपने बना लिया है. चलेंगे अगले संडे को, चलेंगे अगले बार को. सपने देखो कि हम पार्लियामेंट में बैठे रहें, सपने देखो मारवी गवर्नर के चेयर पर रहें, सपने देखो कि हम विकसित भारत जब इंडिया 2047 पर हो उस समय हम भी एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देश को प्रेजेंट करें. ये सोचो, ये सपने होने चाहिए. और आप हो सकते हैं, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने के लिए 25 साल 20 साल की सर्विसेज चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी लेवल लोग ही ये बनाएंगे. हो सकता है कि आप में से कोई आदमी बजट 2047-48 बना रहा हो, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी हो. क्यों नहीं सोचेंगे हम? अच्छा, हमेशा ड्रीम, सपने जो है आदमी को. और कलाम ने वही तो कहा था कि सपने वो जो सोने न दे, सपने उन्हें जो रात में तकिया पकड़ के सपने आप देखते हैं वो सपने मत देखिए. वो सपने बहुत छोटे सपने होते हैं, और ये सपने पूरे होंगे तो वैसे से कई सपने पूरे हो जाएंगे. ओके, सो इस बजट भी एक ड्रीम है पूरा. ये पूरा बजट में ड्रीम दिखाया गया है कि हाउ कैन इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ विकसित भारत एट 2047. ठीक है, अब इसके लिए पहला जो टॉपिक है बजट में वो लिखा गया है फोरकास्ट, मेजर फोरकास्ट. पिछले 4-5 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक रैली में कहा था कि इंडिया में कोई कास्ट ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने दो कास्ट कहा था, रिच और पुअर को कहा था. लेकिन आज के तारीख में 4 कास्ट मान रहे हैं हम लोग. कौन कौन 4 कास्ट है? सो बजट अगर पूछता है कि फोर मेजर कास्ट, पहला पुअर, हिंदी में लिखना है इसको गरीब, पुअर. सेकंड है अन्नदाता, जो आप बोलेंगे मैं उसको उल्टा लिखूंगा, अन्नदाता, फार्मर्स. थर्ड युवा, यानी यूथ. एंड फोर्थ इज द महिलाएं, विमेन. विमेन, दीज आर द 4 मेजर कास्ट मेंशन बाय द बजट. गरीब, अन्नदाता एंड यूथ एंड इसी को कहा गया हम लोगों ने अमृत पीढ़ी कहा गया. अमृत पीढ़ी. ओके, हिंदी वाले लिखते रहेंगे अपने, गरीब वगैरह हो गया. नेक्स्ट क्या है जो बेसिक चीज बताया गया? थीम ऑफ बजट.
थीम और बजट। बजट में चार थीम बताए गए और थीम को समझना बड़ा जरूरी है और थीम समझा के तब मैं आगे बढ़ूंगा। थीम है एम्प्लॉयमेंट पहला, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट दूसरा है स्किलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन इज द एमएसएमई माइक्रो स्मॉल, इसे कुशलता लिख लीजिएगा हिंदी वाले, रोजगार कुशलता एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और फोर्थ है जो मैं बार बार मेंशन करता हूं मिडिल क्लास। ये फोर थीम बनाया गया बजट का। मीन टू से कि बजट में इन चार क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रपोजल्स कई सारे प्रोविजंस किए गए। एक एक करके इन थीम का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मे भी हो सकता है कि 25 में मेंस लिखें, मे भी हो सकता है, या प्रीलिम दें, तो उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे कई बार कि वैसे बजट तो वहां पर भी आ जाएगा नेक्स्ट ईयर भी, बट ये इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट, हम पहले बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट गिव्स यू अर्निंग फॉर द लाइवलीहुड। कोई भी ऐसा काम जिसके द्वारा आप अपने इलीगल काम नहीं लीगल काम कोई भी ऐसा काम जिसके द्वारा आप अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के लिए, लाइवलीहुड के लिए अर्निंग कर लेते हैं कैश में और काइंड में, उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, उसे कहते हैं रोजगार। एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री के लिए। जितना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा इनकम होगा, इनकम ऑफ पीपल विल इंक्रीजेस, और इनकम जितना इंक्रीज होगा उतना ही डिमांड इंक्रीज होगा, और डिमांड इंक्रीज होगा तो फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब डिमांड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आपके कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी तो आपका नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, और नेशनल इनकम इंक्रीज होगा तो आपका पर कैपिटा इंक्रीज होगा, और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तभी आप विकसित भारत एट 2047 को अचीव कर पाएंगे। यानी ये आपका एक फीचर भी हो गया कि विकसित भारत को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर दूंगा हिंदी वालों के लिए, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। क्या? आय बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी नेशनल इनकम बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीएनआई आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट कॉम्पोनेंट फॉर द अचीविंग द गोल ऑफ विकसित भारत 2047। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बजट को जब भी आप अगली बार जब पढ़ेंगे तो हर पॉइंट को आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर थीम क्यों दिया गया है, थीम क्या है, हमारा गोल क्या है विकसित भारत 2047, और उसमें एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है। तो एम्प्लॉयमेंट का रोल है, दूर होता आप लोग फोटो ले सकते हो, बाद में उसको अपना कर लोगे, क्योंकि है ना। तो अगर और अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो तो क्या होगा? ये हो गया है, आगे बढ़ो। अब देखो जैसे भी आ जाओ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता आपके कंट्री में, जो चीजें आपके मेंस के सिलेबस से मेंशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बजट में, बजट में, क्योंकि आपके मेंस का पहला सिलेबस है उसमें लिखा हुआ इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेटजी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। ये यूपीएससी के मेंस का जीएस पेपर 3 का पहला ही टॉपिक दिया गया, यानी एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो है वो आपको मेंस में दिया गया है, और एम्प्लॉयमेंट हमेशा बजट में पॉइंट रहता है, और एम्प्लॉयमेंट से बार बार क्वेश्चन आते हैं क्योंकि टॉपिक मेंशन है, नहीं है तो फिर आएंगे, डोंट थिंक कि बार में नहीं आएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसके कई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं,
आपने तो कह दिया कि ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस यानी आर्थिक परिणाम दुष्परिणाम, फिर होता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, फिर होता है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी किसी कंट्री में, और फिर होता है अदर कॉन्सिक्वेंसेस, किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगा उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। तो आपको दुष्परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अन्य सब पे देखना होगा। सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट होने से आपका सिर्फ इनकम कम नहीं होता है, सिर्फ प्रोडक्शन कम नहीं होता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट पता है क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर जब आओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होने से यहां पर आओगे, यहां पर आओगे, यहां पर आओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होने का देख लो ना, जो बांग्लादेश में हुआ है वो तो वही है, जो छात्र हैं वो बेसिकली एजुकेशन करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होने से क्या होगा कि वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। अनएम्प्लॉयमेंट होने से क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, यही सप्लाई ऑफ लेबर क्या रहेगा, बढ़ेगा, और सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर ज्यादा है काम कम है, तो लेबर ज्यादा होगा काम कम होगा, देन क्या होगा, वेजेस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। ये सब बियॉन्ड द जहां लिमिट है उसके आगे बढ़ो, तभी जाके अच्छे आंसर लिख पाओगे यूपीएससी में। यानी बजट मैंने कहा था कि टॉपिक जो मेंस में, इसलिए मेरा जो लेक्चर का वो रहेगा उसमें इस टाइप से कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आपके सिर्फ, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हमेशा ऐसे देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम, इट्स नॉट ओनली रिड्यूस द पर कैपिटा इनकम, रिड्यूस द डिमांड, बट इसके कई कंसिक्वेंसेज होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के सोशल में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोगों के पास इनकम नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, इट डाउन द सेल्फ एस्टीम। अनएम्प्लॉयमेंट का सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, बेरोजगार आदमियों का सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। और पॉलिटिकल में जाओगे तो क्या होगा, ज्यादा रिवोल्ट में, मूवमेंट में, एजिटेशन में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम फॉर द एनी कंट्री, फॉर द एनी सोसाइटी, फॉर द एनी इकोनॉमिक सिस्टम, फॉर एनी पॉलिटिकल सिस्टम, और एट द नेशनल लेवल, डोमेस्टिक लेवल, और एट द ग्लोबल लेवल। सारे बातों को आप, तो आपको हर पर्सपेक्टिव, जितने थीम्स दिए गए हैं ना, उस थीम पे अगली बार जब पढ़ोगे 25 में, उस समय मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, लेकिन आपके पास थीम्स पे, चीजों पे क्वेश्चन होना चाहिए। यही बजट का, यही इकोनॉमिक सर्वे का है, और यही से क्वेश्चन आते हैं बार बार, एक आध क्वेश्चन तो आना ही है, इस साल नहीं तो अगले साल आएगा, तो उसके बाद आएगा, है ना। तो ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, सिर्फ थीम याद नहीं करना है, और कभी भी यूपीएससी के प्रीलिम्स से भी ऐसे थीम नहीं पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द थीम ऑफ द बजट 2024-25, कहां से ऐसा पूछता, हम लोग से मैं पूछता था कभी कभी, अब नहीं पूछता। तो हम लोगों में इतने सोर्सेज नहीं थे पढ़ने के, जैसे आप लोगों के सोर्सेज हैं, अभी जाके कितने लोग वेरीफाई भी करेंगे कि थीम यह है कि नहीं, ये सर ने बताया है बजट पे। ओके, आ जाओ सेकेंड थीम। सेकेंड थीम क्या है, स्किल। टू थर्टी ज्यादा क्लास नहीं चलेगी जहां तक, क्योंकि बहुत लोगों की हिंदी मीडियम वालों की किसी की क्लास है, किसी की कुछ क्लास है, आप लोगों का भी 3 o'clock से है ना, 10-15 मिनट ब्रेक भी देना होगा, ब्रेक दे दूं 2:30 में, क्या ब्रेक मिले, नहीं 2 बजे, नहीं 2 बजे में कुछ होगा नहीं, फिर तो 8 दिन लेना पड़ेगा, मेरे पास भी टाइम की कमी है, मैं 2:30 बजे तक क्लास होगी। 5 मिनट आप लोग लेट से जाना, सर को बोल दूंगा, सर 2:45 में जाएंगे, हिंदी वालों को बोल दूंगा, सर को मैं 2:45 में जाएंगे, मैम को बोल दूंगा, क्या करेंगे, लंच कर लेंगे। और 2 दिन तो है, 2 दिन, कल या परसों तक खत्म हो जाएगा। स्किलिंग, स्किलिंग क्या होता है, एक होता है लिटरेसी और एक होता है स्किल। इंडिया में लिटरेसी फिर भी है, स्किल तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। इंडिया हैज डेमोग्राफी डिविडेंड, हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश, कुछ फैक्ट जानते रहो यहां पर, डेमोग्राफी डिविडेंड हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश। क्या होता है डेमोग्राफी डिविडेंड, डेमोग्राफी डिविडेंड रोज पढ़ते हो न्यूज़पेपर में।